असलमकूम खुश आमदेदेद सुबह बखे तमाम आप देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर नदिन प्रोग्राम में आज बात करेंगे कुछ आपके सेहत के हवाले से और आज हमारा स्केजल प्रोग्राम क्योंकि थर्सडे को होता है और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशीफ़ फरमा होते हैं उनसे आपकी जो मसायल हैं उसके हवाले से गुतु करते हैं सेहत के हवाले से खास तौर पर तो आपके पैगाम मौसू हो रहे हैं तो आज वो सिलसिला जारी रहेगा सबसे पहले हमारे जो मज़ुस मेहमान हैं उन्हें खुश आमदेद का प्रोफेसर डॉक्टर हकीम मस्करी साहब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनको खुश आमदेद बहुत शुक्रिया आपका आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और हकीम साहब माशा एक जद्दी पुश्ती हकीम है हमत और तिब के शोबे से एक बड़ा तवील आपका जो है एक, एक, एक सफ़र है एक वस्ती की एक बड़े तवील अरसे से चली आ रही है और ये एक खानदानी सिलसिला है एक लेगेसी है जो अब भी जारी है और ये आ, जो तब नबी है आ, उसके ऊपर भी आपकी माशाल्लाह बड़ी तहकीक है इसके अलावा जो होम्योपैथिक और एलोपैथिक जो मेडिसन हैं आ, उनके ऊपर भी आपकी रिसर्च है आ, तो ये जो ईस्टर्न मेडिसन है इसके ऊपर ख़ास तौर पर आपकी बड़ी तहकीक है मुल्क से बाहर आप रहे काफ़ी अर्से तक और रिसर्च के ऊपर काम करते रहे उनसे मज़ीद इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बहुत सारे पैगाम और कॉल्स जो कॉल वो मौसू हो रहे हैं और जो सिलसिला है जो गुजशत हमारी जो नशस्त थी उसमें हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से बात करें लेकिन कैंसर का एक आजकल मौजू जो है वो सर बहस है और ख़ासतौर पर जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके ऊपर आगे ही फैलाई जा रही है मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहे और सब ये समझते हैं कि एहतियात से जो है वो तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है आपकी रिसर्च क्या कहती है आपकी तहकीक क्या कहती है और आपने जो मेडिसिन बनाई हैं क्या इसके लिए इफेक्टिव हैं काम कर रही हैं मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी बात हो जाए जी हाँ जी हाँ बिस्मान बात यह है कि कैंसर की कई अकसाम हैं जी जिसमें गले का कैंसर जिगर का कैंसर दिमाग का कैंसर और खून का आंतों का कैंसर तो इस तरह जो है मुख्तलिफ इकसम है कैंसर की जो मुख्तलिफ जगहों पर होती हैं और उसकी वजूहत जो हैं वो बहुत सारी वजूहत हैं कैंसर की रेडिएशन है रेडिएशन में तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा बेजा इस्तेमाल करना बाज लोग मोबाइल को जो है ये ऊपर वाली पॉकेट पॉकेट में पौकेट में लेफ्ट साइड पे पॉकेट में रखते हैं और बाई तरफ दिल होता है जी। तो इस पे दिल पे बहुत सारे असरात होते हैं कुछ लोग मुसलसल कान को लगाए रखते हैं जिसकी वजह से कान का कैंसर या गले का या बूं का कैंसर हो जाता है ठीक है अमूमन ये भी कहा जाता है कि कैंसर की वजूहत पान सिगरेट तम्बाकू शराब नोशी तेज मिर्च मसाले जी जंक फूड इसका इस्तेमाल फिर ये हमारे मुर्गियाँ हैं जी जी तो ये बॉयलर मुर्गी या दूसरी मुर्गियाँ जो हैं ये इनकी फीड बड़ी गलत होती है इनको इंजेक्शन लगते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वो सारे टॉक्सिन पैदा होते हैं ठीक है जो हम खाते हैं यानी हम बॉयल भी कर लें कितना पका ले। बिल्कुल ठीक है <coughs> वो हॉस्टेलाइज हमारे पेट में जाते हैं ठीक है भैंस पे गोश्त उसको या दूध इंजेक्शन लगते हैं वो भी हमारे बच्चों के पेट में जाते हैं बिल्कुल तो इस तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा कैंसर की वजूहत जो है वो ये भी हैं बाज लोग कहते हैं टेंशन से कैंसर होता है मैं समझता हूँ कैंसर टेंशन से नहीं होता बल्कि टेंशन से कैंसर और बढ़ जाता है बढ़ जाता है बिल्कुल ठीक है तो उसके लिए जो है वो फिर यही कि केिक्र तदमीनकलुब अल्लाह के जिक्र से दिलों को ताकत मिलती है और ही शिफा देता है कैंसर की बाज प्रॉब्लम जो है वो मारूसी भी होती हैं जेनेटिक होती हैं जिसमें ब्लड जो ब्रेस्ट कैंसर है हुँ, उसके हुँ, बारे में ये तहकीक हुई है कि जेनेटिक प्रॉब्लम होता है ठीक है लेकिन वो अक्सर जो है वो कैंसर जेनेटिक नहीं होते ठीक है इसी तरह जो है हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो है कुछ नेगेटिव थिंकिंग्स होती हैं हसद बुगज़ तोहमत अपनी हसद की आग में खुद जल रहे होते हैं बेकुण, बेकुण। और ये जलन जो है ये, तक जो है, ये, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर का, का बात है।, 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 है बात यह के हवाले से मैंने मेरी जो अद्वियात हैं ये तकरीबन समझे कि बहुत कैंसर के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और हर किस्म के कैंसर के लिए हमने मुख्त हैं जो जैसे कि हमारा ये अस्करी ग्रीन है जी। ये अस्करी ग्रीन जो है ये बाईस हज़ार फाइटो न्यूट्रीशन हैं इसमें इसमें आ, वन फोर्टी वन कम्पोनेंट हैं जिन्हें एक सौ इकतालीस अद्वियात हैं जड़ी बूटियाँ हैं दुनिया की सुपर हर्ब्स हैं जो इसमें है। शामिल किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है जो इंतईमती नायाब अद्वियात से जड़ी बूटियों से ये तैयार हुआ है बुनियादी चीज़ यह है कि जब आदमी के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉग हो जाए यानी डिफाइन निज़ाम उसका मजबूत आप कर दें तो वो बहुत सारी बीमारियों को जिसम से निकाल के बाहर फेंक देते हैं ठीक है हमारा काम यह है कि ये फूड सप्लीमेंट्स हैं और हुँ. ये जो तैयारी है इसकी बड़ी ख़ास मखसूस माहौल में की जाती है जी. और इसमें ये ए, 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 एक सौ इकतालीस जो जड़ी बूटियों हुँ. में है मशरूम हैं बारह कस्म के मशरूम हैं कैल्शियम्स हैं इसमें अंबर है मुश्क है ज़फ़रान है जी <coughs> तो अब इसी तरीके से ज़वारात हैं जी जी तो ये चीज़ें जो है ये सिर्फ कैंसर ही को नहीं रिमूव करती बल्कि ये शुगर ब्लड प्रेशर ठीक है प्रॉब्लम को कंट्रोल करती है।, है अच्छा कॉलर को शामिल करते हैं गुप्तगु जारी रहेगी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं असल जी असलम बीमारियां तो यही है कि हमें बाकायदा हम वो गजा नहीं इस्तेमाल करते बॉडी हमारे जिसम की जरूरत है बिल्कुल ठीक है और उसकी नामुकमल गजा क्योंकि लाजमी बात है की जो जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है इस वक्त मतवस्त तबके ताल्लुक रखने वाले लोग भी गुज्त हालात से करोना का मामला हुआ बाशी हालात बड़े परेशान कौन हो रहे हैं और इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से गजा आराम नहीं कर पा और जो है, है सुकून की जिंदगी जो है वो मुश्किल हो रही है तो ये भी बड़े बहुत वजूहत होती हैं जो मुख्तु बीमारियाँ पैदा होती हैं बिल्कुल ठीक है चलें कॉलर को शामिल करेंगे अलग अम्म जी असल जी असल जी आवाज आ रही है आपकी फरमाइए क्या कहेंगी हेलो अच्छा चल कॉल ड्रॉप कर दें टीवी की आवाज़ शायद खुली हुई है टीवी की आवाज़ बंद करके प्रोग्राम में कॉल करें आपको बार बार ये बात बताई जाती है कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद करके फोन के ऊपर बात करें चले जी तो हम बात कर रहे थे कैंसर के हवाले से जी तो ये सबसे ज्यादा जरूरी आपने कहा कि एक तो बेसकूनी है ऊपर से ये जो जिस तरह का तर्ज जिंदगी हमारा है ये नुकसानदेह है, है जी जिसकी वजह से ये बहुत सी बीमारियों का वजह बन रही है जिससे जहनी जिसमानी असाबी दिमागी आ, बीमारियां पैदा हो रही हैं और टेंशन जो है वो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी होती है ठीक है बीमारियों का जड़ है वो टेंशन आप कोशिश करें कि एक तो शुक्रगुजार बंदे बन जाएं अल्लाह का हर मामले में शुक्र अदा करें ठीक है और दूसरी बात यह है कि आप अवॉइड करना छोड़ छोड़ शुरू कर दीजिए नज़रअंदाज कर दीजिए माफ़ करना शुरू कर दीजिए और बहुत सारे मामला जो आपकी दस्तरस में ना हो हुँ, वो अल्लाह पे डालते हैं ठीक है आदमी जहाँ पर बंद गली में मिल आ जाता है हुँ. तो वो बहुत सारे क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे बड़े वाक़ मामला होते हैं कि जो आदमी जिसको रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने का ठीक है तो वो फिर बहुत ज़्यादा फरस्ट्रेट होता है बिल्कुल ठीक है यह हमारे माशरे का सानिया है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बीमारियों पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और जो है वो एक जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन मरल से इंसान गुजर रहा है बिल्कुल ठीक है तो ऐसे में बेशक मेरी अद्वियात कीमती भी है नायाब जड़ी बूटियों से बनी हुई है मैं समझता हूँ कि जो लोग छः छः आठ आठ दस दस महीने इलाज करवाते हैं और उसका रिजल्ट ज़ीरो आता है फिर वो मेरे पास आते हैं और दो से तीन महीने में उनका मुकम्मल अल्लाह की फजल से शफा याबी मेरा रब देता है बिल्कुल ठीक है अच्छा कॉलर को शामिल करेंगे जी असल असल अच्छा तो जी तो कॉल शायद नहीं। जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है दोबारा से नहीं आप रबता करने की कोशिश करें तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि एक तो शुक्रगुजार होना जरूरी है लेकिन जिस तरह के मसाइब हैं इस वक्त हालात हैं मौजूदा सूरत हाल क्योंकि इतनी पेचीदा हो गई है माशा जो हुमरान जिस तरह का तर्ज हुक्मरानी है कोशिश तो यही है कि शायद कि किसी का बका जो है वो इतना मुश्किल बना दिया जाए तो खुद ब खुद ही फिर आप समझते हैं कि सारे मामला हैं ये एक बहुत बड़ा मसला है तो इससे कैसे बचा जा सकता है क्योंकि लोग एक सवाल ये करते हैं कि जी आप हमेशा ये बात बताते तो हैं कि स्ट्रेस फ्री रहें शुक्र करें लेकिन ये जो आए दिन जिस तरह की खबरें आती हैं और जिस तरह के हुक्मरान जो माशाल्लाह फैसले कर रहे हैं जिस तरह अवाम दुश्मनी हो रही है आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं लगता ऐसा है कि किसी दुश्मन मुल्क के जो है वो हुक्मरान हुआ पर मुसलत किए गए जो आवाम से बदला लेने के लिए रखे गए ये असल में मेरा ताल्लुक अक्सर तहरीक है ज़िए 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 तो तो उसकी क्या तो कर रहा हूँ ये एक सियासी किस्म का सवाल है लेकिन लोगों के लिए बहुत अहम है जहाँ हम इंसान की नब्स पे हाथ रखते हैं वो माशे की नब्स पे भी हमारा हाथ होता है और ये वजह है कि इस वक्त सैतालीस उन्नीस सौ सैंतालीस के बाद जी। जो है वो हमने देखते हैं कियद अजम और लियाक़त अली खान के को रास्ते से हटाने के बाद वो जो है टोला बरसरे इकतदार आ गया जिसे हम कहेंगे जना पर भी कब्जा ग्रुप बैठा बिल्कु है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है जो गुज्त बहत्तर तिहत्तर साल से आवाम का खून चूस रहा है जी। जी। कोई ऐसे मामले में ये लोग संजीदा नहीं है जहाँ अवाम का फला हो बका हो आवाम के लिए कोई सहूलत दी जाए जी, जी। इसके लिए हम ये समझते हैं कि आज भी हम पहले अंग्रेज से जंग लड़ रहे थे उसकी ग़ुलामी से निजात हासिल कर रहे हुँ। थे हुँ। अब अंग्रेजों के ग़ुलामों की गुलामी से निजात हासिल करना ऐसा ही है बहुत ज़रूरी है और ये इलेक्शन के जरिए अगर नहीं होता पार्लियामानी इनकलाब नहीं आता तो यकीन मानिए इस वक्त पूरी हमारे मुल्क में जो हालात हैं ये किसी खूनी इनकलाब का मौजूद बन रही है सही। लोग मुं, इन, मुंतजर हैं किसी ऐसे लीडर के इंतजार में बैठे हैं जो सर पे कफन बांध कर आ जाए जो बाखलाक बा और जरूरतमंद हो हुँ। और हुँ। जो कौम को जो है वो इस मसाइल से निकाल के निकाल लाए देखिये करप्शन जो है वो हर शोबे में मौजूद है ये करप्ट हुमरानों ने करप्शन को इस कदर आम कर दिया कि लोग हमारे लोग जो नौजवान हैं उनको कभी किरदार जो है वो खराबे को ठीक कर कॉलर को एक शामिल कर लेते हाँ। हैं जी असल जी असल अच्छा ठीक जी, जी। चलें तो, तो ये मसला है तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हु तबका है और ये वही टोला है जो बार बार शक्लें बदल बदल कर ये उन्हीं की औलादे हैं ये मौसी चल रहा है सिलसिला या वो टोला जो मीर जाफर मीर कासिम की औलादें थी जी बिल्कुल समझे वही वही है हुँ, कि हुँ, इनको हुँ, इनका माजी झांक कर देख लीजिए बिल्कुल ऐसा ही और इस वक्त जो आपके मीडिया पर सोशल मीडिया पर इनकी बाकायदा हिस्ट्रीज मौजूद हैं बिल्कुल ठीक इनके नंगे करतूतें मौजूद हैं इनके सब सब काले जो हैं वो जो हरकतें हैं वो दुनिया भर में फैली हुई है और बड़ी, के, पड़े साथ, बड़ी के साथ बड़ी बेगैरती के साथ ये जो है वो इस बात पर बड़ा फख्र करते हैं मेरे एक साहब मैंने देखा कि जनाब एक एक पार्टी के साथ थे जब जानते आप कि उसने चैनल पे आके कहा कि जनाब करप्शन हमारा हक है जी बिल्कुल ऐसा ही समझे ना यानी अब ये इस कदर इनके अंदर रगो पै में वो बुराई और शैतानियत यजीदियत जो भर चुकी है बिल्कुल ठीक है कि ये किसी तौर पे भी अब जो है इन बुराइयों से निकलने को तैयार नहीं है नहीं ऐसा ही बिल्कुल ठीक है लेकिन वक्त जो है सबसे बड़ा सबक देता है बिल्कुल ठीक है मेरे قوم के लोग मेरे नौजवान मैं समझता हूं कि ये सिर्फ किसी मोहम्मद बिन कासिम के इंतजार में है किसी खालिद बिन वली के इंतजार में है किसी इमाम खमेनी के इंतजार में है कि जो आए और इनको नहा निजा दहिंदा बन जाए इन शाह इन में खुदा फजल तादसार तहरीक का माजी शफाफ रहा है तारीख उठा के देख लीजिएियों से भरी हुई है खादा तहरीक का और हमारा आज़म है कि अब हम खादा तहरीक को फाल कर रहे हैं नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि आए खादा तहरीक के प्लेटफॉर्म पर आए और आकर हमारे साथ चले और इस मुल्क की बका और फलाह के लिए साथ दें इन आप हमारा रोशन मुस्तबिल बहुत जाम प्रोग्राम है खासा तरीका बड़ा मनजम सिलसिला है कुरून अव्वल के मुसलमानों का जो निज़ाम रसाल तमाम सलम ने एक अस्करी नज़ाम फौजी निज़ाम मरतब किया था वो जिसकी वजह से जिस पर अमल करके दुनिया के तीन बड़ आज़मों पर मुसलमान हुक्मरान हो गया था आज भी वो निज़ाम जिंदा है खादा तहरीक के प्लेटफॉर्म पर और उस निज़ाम के तहत इन हम खिलाफत राशदा भी बहाल कर सकते हैं इस वक्त तुर्की और दीगर जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान के इसमें पाकिस्तान में। को भी लेकर आज चल रहे हैं लेकिन हुक्मरान जो हैं वो अपनी सनसियर नहीं है बिल्कुल ठीक है अपने मुल्क से ना अपने कौम से ना अपने मजहब से बिल्कुल ठीक है ऐसा ही है बिल्कुल आपने ठीक है अद्वियात के बारे में सवाल ये आता है अक्सर हम इस चीज़ को दोहराते भी हैं प्रोग्राम के अंदर कि अद्वियात क्योंकि बाजार में दस्तियाब नहीं है और जो कराची से बाहर जो प्रोग्राम देखते हैं वो ये कहते हैं कि जी कैसे मिल सकती हैं और इससे मिलते जुलते नामों से भी कुछ प्रोडक्ट दस्तियाब हैं तो उसकी मैं चाहूँगा थोड़ी सी रसी हो जाए जी आ, देखने वाले बात यह है कि ये अद्वियात जो हैं वो हम मार्केट नहीं करते यही वजह है कि बाजार में जो अद्वियात मिल जा हम मार्केटिंग करते हैं तो दो नंबर अद्वियात जो है वो फॉर मार्केट आ जाती हैं ठीक है और जिसकी वजह से हम ऐलान कहते हैं कि पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हमारी अद्वियात बाकायदा भेजी जाती हैं और इन अद्वियात को आप बजरिया कोरियर मंगवा सकते हैं कराची में जो है कैश ऑनलाइन है मौजूद बाकी मुल्क भर में आप डिलीवरी का सिलसिला यह है कि आप हमें मोबाइल के ज़रिए अपना पूरी व्हाट्सएप भेजें अपनी पूरी रिपोर्ट्स भेजें अपनी पूरी बताइए हम ऑनलाइन आपको चेकअप भी करके आपको यह अद्वियात पार्सल करके आप भेजेंगे इन शाला ये कि लाखों मरीज़ इस वक्त मेरे आ, आ, हमारे सेहतियाब हो चुके हैं जैसा कि मेरा प्रोफाइल आपने देखा है उस प्रोफ़ाइल में भी आप देखिएगा कि मेरे दादा परदादा और तमाम जो है हमारा हसब व नसब के हवाले से जो ग्यारह में ये सिलसिला चल रहा है तो दूसरा ये कि कराची में मैं आ, मेरा एड्रेस आप अगर पढ़ रहे हैं तो है। गुलिसान जो जौहर के साथ ही सामने रोड पार जो है यानी राशिद मनास रोड पर एक दूसरी साइड पर जिसे गुलशन इकबाल दस टेन ए कहते हैं वहाँ पर लासानिया रेस्टोरेंट के पास ग्लैमर मोबाइल मॉल है उसी मॉल में मैं मेरा मतलब है जो कि हफ्ते में तीन दिन बैठता हूँ जो मेरा मंगल और इतवार तो ये तो मेरा सिटिंग डे है और इसके लिए अपॉइंटमेंट्स ले लें तो ज़्यादा मुनासिब है तो मेरे पास जो कैंसर के मरीज भी आते हैं हेपाटाइटस है, शुगर ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज़ हैं बेओलादी के मरीज़ हैं और तकरीबन हर मर्स से मुतल वो लोग आते हैं जो बहुत पेचीदा और क्रॉनिक हो जाते हैं क्योंकि मैं, मैं अमेरिका में रहा जी, अमेरिका जी, में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है पैसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है सारी एजुकेशन मेरी वहीं की रही वहीं से मैंने एम किया डॉक्टर मेडिसन एन किया डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसन इसी तरीके से एम किया डॉक्टर ऑफ हर्बल साइंसिस में हुँ, हुँ, तो वहाँ पी किया रिलीजस साइंसिस में माहब आलम पर मेरा अबूर रहा है तो वहाँ पर ये चीज़ें रहीं कि मेरी पहले 16-17 साल प्रैक्टिस एलोपैथिक की रही जी, फिर मैंने जब देखा कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो हार्मफुल है लोगों को बाकायदा एमरजेंसी में तो बहुत अच्छा है ठीक है, लेकिन इन द लॉन्ग रंग अगर मेडिसन्स को इस्तेमाल किया जाए तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं फिर मोस्टली मेडिसन पर लिखा होता है पॉइजन ये पढ़ भी लेते हैं नौजवान हमारे जी, जी। पढ़ने के बावजूद जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी बात है के एक मर्ज को ठीक करने में आप चार मर्ज और पाल लेते हैं का अपना एक मकाम है। जी, जी। लेकिन तिब नब्बी का जो मकाम है अगर उसको आप यकीन और ईमान की कैफियत में इस्तेमाल करें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि सौ फीसद इमराज का इलाज मौजूद है बिल्कुल ठीक है आप हसूल शफा के लिए यकीन और ईमान की कैफियत बहुत ज़रूरी होती है।, है नमाज जब पढ़ते हैं आप नमाज़ पढ़ने के लिए आप वजू करते हैं नीयत करते हैं नमाज के लिए फिर आप हुँ. खड़े होते हैं फिर आपका ये होता है कि जो आप जिसके इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो इमाम जो है वो उसके उसको बारदार बामल बाफात होना बहुत जरूरी होता है ठीक है अगर आपका उस पर शक हो जाए तो नमाज ज़ाय हो जाती है ऐसे ही बिल्कुल ठीक है इसी तरह मॉलिज पे शक हो जाए तो आपका इलाज का जरिया जो है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल ठीक अब अब मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे केसेज हैं जिनको सोलह सत्रह साल से औलाद नहीं हुई और अल्लाह के हुक्म से उनको साइबर औलाद हुए और प्रिंस हो गए ऐसे ऐसे केसेज हैं कि जिनको आज से मैंने बीस बीस साल पहले पच्चीस साल पहले तीस साल पहले उनका इलाज किया कैंसर का और वो रोते हुए आते थे कि जी हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको कैसे पालेंगे पालने वाला तो अल्लाह है आप इसकी फिक्र ना करो पैदा करने वाला रब है पालने वाला भी रब है आप इन फिक्रात में और मर्ज को बढ़ाओगे आप ये छोड़ दो है। क्या होगा हाँ आपके जो आपके फ्राइज में आती है बात अब उस वो उस उन चीजों को फ्राइज की अदायगी पर आओ कि यकीन और ईमान रखो कि अल्लाह शिफा देता है मैं दवा दे रहा हूँ आप इस्तेमाल करो अल्लाह के हुक्म से वो दादे नानी पाप और बन गए हैं वो तो वाले हो गए हैं नवासों वाले हो गए हैं और वो कहते हैं कि जनाब कैंसर उसका दामो निशान नहीं रहा तो देरपा जो हल है और इलाज है वो इसी ईस्टर्न मेडिसिन के अंदर है जा, जा। और ये चीज़ अब लोगों को इस चीज़ का इधराक भी होता जा रहा है क्योंकि एक तो वो महंगा इलाज और ऊपर से जब तक वो दवा इस्तेमाल करते हैं ये सवाल बहुत ज्यादा आपके लिए आता है कि जनाब जब तक वो एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक तो ठीक है लेकिन जैसे ही वो छोड़ते हैं उसके बाद फिर से कंडीशन ही इलाज होता है जी क्योंकि मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर रहा हूँ मुझे मालूम है कि वो इलाज जो है वक्ती होता है आप एक असल में निजाम में सेहत सिलसिला जो है वो अगर मुरतब हो जाए हमारे डॉक्टरों हकीमों में एलोपैथिक्स में होम्योपैथिक्स में अब लेग पुलिंग की बजाय एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय एक, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के बजाय इन सबको इकट्ठा मिल बैठना चाहिए एक दूसरे का तरीका इलाज को समझना चाहिए ताकि बजाय एक दूसरे को बुरा कहने के इल्म जहां होता है ना वहाँ इतहाद होता है इश्तराक होता है इस होता है, है। अमन होता है जहाँ जालत होती है वो फसाद होता है लेग पुलिंग होती है वो एक दूसरे को बुरा कह रहे होते हैं हालांकि वहाँ इल्म नहीं होता है वो प्रोफेशनल जेलसी होती है एक नाई दूसरे नाई की को काट रहा है एक दर्जी दूसरे दर्जी को बुरा कह रहा होता है इसमें इस यह फन है ये फन जो है ये अल्लाह ताला दे, जो हमें वदियत किया है ये नबी और वलियों वाला फन है इसमें एक इस दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें हाँ जहाँ दो नंबर लोग हैं देखें जाली डॉक्टर जाली हकीम जाली दवा साझादारे बड़ी ए, बेबाकी के साथ बड़ी उसके साथ काम कर रहे हैं इंसानी जानों से खेल रहे हैं हाँ आप खड़े हो जो असल लोग हैं असल हैं है। वो खड़े हो आए मैदान में आए इन लोगों के खिलाफ आप इनको क्रिटिसाइज करें इनको आप ताकि जो इंसानी जानों से खेल रहे हैं उनको अगर जब तक आप नहीं निकालेंगे से बाहर जब तक एक सेहत के हवाले से आप पर जो एक, एक लॉ बना हुआ है उस पर इंप्लीमेंट होना चाहिए खुदा जहां मैं बैठता हूँ बिल्कुल मेरे ऊपर जो है कि जाली हकीम बैठता है क्या हकीम भी नहीं है समझे ना बिल्कुल ठीक वो हकीम भी नहीं है ना डॉक्टर है ना कोई है बैठता बैठें। कर बैठें। कोई कोई से रोकने वाला नहीं है हमारे दाएं बैठे, हमारे बाएं बैठे है। हैं हमारे बैठे हैं समझिए ना इस बहुत सारे बैठे हैं मैं इसमें तो से कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें ठीक है ये बहुत जरूरी है कॉलर को एक शामिल करेंगे जी असल मोहम्मद से आवाज आ रही है आपको आपको आ रही है। जन्म लेती हैं हम कई जगहों पे जाते हैं दवा लेने के लिए जाते हैं बजाय दवा मिलने के अब मजीद माली परेशानी में मुबतला हो जाते हैं और हमें जो है वो असल दवा की बजाय दो नंबर चीज मिलती है जो मजीद हमारे बच्चों को का, है। मैंने का तो बहुत बढ़ गई है मैं कहता हूँ इन जालमो ने हमारी हर्बल अद्वियात की भी कीमतें इतनी बढ़ा दी है कि अब है। हमें भी वो परेशान होते हैं कि इनको असल अद्वियात जो खालिश मैं लेकर आता हूँ मुझे परवाह नहीं होती की हजार रुपए की चीज एक लाख की मिल रही है लेकिन मैं कहता हूँ तो मेरा आने वाला मरीज जो है वो शफायाब होकर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बिल्कुल ठीक है तो बड़ी मेहनत से इनको तैयार किया जाता है बड़ी जद्दोजहद के साथ क्योंकि मुझे मेरे अब जुदाद का एक मकाम था नाम है तो मैं कभी भी उसके नाम को जो है वो इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर नहीं कर सकते बिल्कुल ठीक है कॉलर है इस लाइन पे अच्छा जी आवाज आ रही है आपको मेरी

फ़ौर सोच लिया करिए कि, कि इसका इलाज हर्बल साइंसिस में मौजूद है तिब नब्बी में है और इसका अल्लाह की रहमत से बेहतरीन इलाज है आप मेरे पास तशीफ ले आएँ या मुझे फ़ोन करें मेरे नंबर चल रहे हैं कॉन्टेक्ट कीजिए तो आपको इसके सिलसिले में आपको मुकमल रहनमई महत्व ठीक है ये ज़्यादा बेहतर है आ, किसी भी बीमारी के हवाले से डॉक्टर से पहले रुजू करें यानी कि जो नंबर्स दिए गए हैं अगर आप इनसे रबता करेंगे ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको एड्रेस भी आ रहा है एड्रेस भी आप नोट कर लें और फ़ोन नंबर्स भी आप नोट कर लें इनके ऊपर आप रबा कर सकते हैं और अगर आप कराची में तो आपके लिए बड़ा आसान एड्रेस है ये शहर के बिल्कुल सेंटर में ही है और आसान सा एड्रेस है इतना तो मुश्किल भी नहीं तो आप उनसे रबता करके जो है वो अगर पेशेंट को दिखाएँगे तो फिर ज़्यादा बेहतर तौर पर तशीस भी हो सकेगी और इलाज भी तजवीज़ हो इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ मैं इस्लामाबाद में Hmm. भी आता हूँ मरीज इस्लामाबाद लाहौर पिशावर जी. ये मेरे पॉइंट है hmm. और इनशालाइटे के मरीज भी hmm. सुन लें मैं कोयटे का भी दौरा करूँगा और अपना अपॉइंटमेंट्स ले hmm. लीजिए फोन पर जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में लोग अपना चेकअप करवाना चाहते हैं hmm. अपॉइंटमेंट्स ले, ले ठीक ताकि है. उनको एक कॉलर को और शामिल कर लेते हैं जीकम आपकी आवाज भी, भी बहुत स्लो आ रही है थोड़ा सा ऊंचा बात करें अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा आपकी आवाज क्योंकि हम तक जो है वो सही नहीं पहुंच रही तो एक काम ये करते हैं कि ये हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो आपकी जो आपका मसला है वो नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं जवाब लेता हूँ कि साहब से ठीक है बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की आ, तो कुछ समझ नहीं सका मैं बात क्योंकि किसी ट्यूमर या गिल्टी की बात वो शायद कर रही थी इतना मैं समझ सका हूँ तो यही आज हमारा मौजू भी था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे जी ट्यूमर हो या गिल्टी हो जैसे ही आपको महसूस होता है नाजरीन देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो है या ब्रेन ट्यूमर है या किसी कई जैसी मामला है तो उसे फौरी तौर पर जो है एक तो कोशिश करें कि आप मेरे पास आ जाए अपनी रिपोर्ट्स ले लें ना हो तो और हाँ मैं समझ तो गया फिर मेरे पास चेकअप का निजाम मौजूद है उसके जरिए मैं मुकम्मल चेकअप कर लेता हूँ और यह है कि बाज़ बाज ऐसे कैंसर हैं कि अगर उसको बायोप्सी कर ली जाए तो वो कैंसर जो है फैलता है देखिए ठीक है हम बायोप्सी के खिलाफ हैं हम कहते हैं कि ठीक है आपने जो दिगर टेस्ट हैं वो आप करवा लीजिए जना उसमें तो वो ज़्यादा जैसे सिटी स्कैन है जी, जी। या अल्ट्रासाउंड है समझे ना तो इनकी ये आप करवा के करवा तो ज्यादा उसको कर लेते हैं बाकी जो अभी बात हो रही थी कि मैं एक तो ये कि नाजिन को ये बता देता हूँ कि आप अपने मामले में जरा मोहतात रहिए फिर दूसरा ये है कि जहाँ भी ब्रेस्ट में कहीं आपको खातिन को महसूस होता है क्योंकि कैंसर जो है वो तो उम्र के बाद नौजवान को भी देख रहा हूँ उनमें भी कैंसर डिवेल्प हो रहा है <coughs> उसकी वजुहत यह है कि कुछ बच्चियां ऐसी हैं कि जो जिनकी ब्रेस्ट ग्रोथ नहीं होती वो मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर लेती है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर

जहन भी फिर ख़राब हो जाता है खून खुश्क हो जाता है लेकिन टाइफाइड मेरा जो है वो ठीक ही नहीं होता बदन में हड्डियों में बुखार है वो प्रोफ़ेसर साहब तो टाइफाइड मानते ही नहीं है तो मैं नीचे वाले डॉक्टरों से फिर इलाज कराती हूँ ना जो वो जी भी एम बी बी एस होते हैं तो वो बड़े बड़े महंगे महंगे ड्रिप लिखते थे हैं लेकिन मेरे हड्डियों से बदन से बुखार नहीं जाता वैसे शुगर भी है ब्लड प्रेशर भी है दवा जारी रखती हूँ प्रोफ़ेसर से इलाज कराती हूँ हामाइन साहब से लेकिन वो तो मानते ही नहीं है बस ये मेरी टाइफाइड जो मेरे बदन से अभी मैं उठी हूँ लेकिन मैं चल फिर नहीं सकती ये बुखार की वजह है ठीक है मैं मैं भी ये पिशावर से कॉल करी अच्छा बहन आपकी उम्र कितनी होगी मेरी उम्र पचास होगी अच्छा, और ये आ, ये है ना कि मैं मुझे डॉक्टर कहते कि तू वाक करो वाक करो वाक बहुत जरूरी है मेरी जो गोडे गो, ये गोडे ये गोडे भी हैं, ये खराब है तो मैं वाक किस तरह करूँ? जो मैं घर से थोड़ी सी भी निकलूं बुखार आ जाता है वजन तो कितना है इस ठीक है अच्छा वजन कितना होगा वजन आपने अभी किया रिसेंटली कितना मेरा 70 है मेरा 70 67 केजी वेट है ठीक है सर सर और बस ये बहुत सारा अच्छा हो गया कि मेरा ये टाइपैट बदलती जाता नहीं है बुखार बुखार और ये ठीक है बुखार पहला इलाज हो जाए जब मेरा बुखार जिस दिन नहीं होता ना उस दिन मैं एक तरह कर कि मैं का करूं, कौन सा काम करूँ कौन सा नहीं करूँ मेरा दिल बहुत कुछ छा रहा होता है मेरा दिल उस रोज खुश होता है कभी कभी इस तरह होता है कि मेरा बुखार एक दिन नहीं होता दो तो तीन महीनों में मेरा दिल करता है कि काम काज करूं कहीं जाऊं जाऊँ बस बुखार की वजह से मैं अभी उठ नहीं, नहीं कर पाती ठीक है नहीं कर पाती पैर भी दरते हैं घुटने भी इसके लिए मैंने विटामिन डी ली है वो हुँ। मैंने एक गोली भी खाई जो पाँच सौ का मिलता है और मैं वो विटामिन डी वाले इंजेक्शन जो है वो भी जी 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 पीती हूँ और पोटेशियम भी उस रोज लिया है दो तीन दिन से ठीक है शुरू किया है लेकिन अच्छा अभी आपको जवाब देते हैं ठीक है आप प्रोग्राम सुनिए फोन रखकर आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए जी हाँ जी मैंने कहा है।, है वो आंतों का इन्फेक्शन से होता हुँ। हुँ। है तो बैक्टीरिया जो है जमा हो जाते हैं जी। और जिसकी वजह से बार बार टाइफाइड जो है वो उनको अटैक कर रहा है इनका बुखार जब तक अंदर से क्लिनिंग नहीं होगी आंतों की तब तक बैक्टीरिया खत्म नहीं होता नहीं उतरता मैं समझता हूँ कि ये इनका इलाज हो रहा है एलोपैथिक हो रहा है वो वक्ती ट्रीटमेंट तो दे रहा है बिल्कुल ठीक है मगर मुस्तकिल इलाज के लिए इन्हें खातून को मेरे फोन मुझे करें हुँ, हुँ, और मुझे से यहाँ अद्वियात मंगवा लें वो इन शाह एक महीना इस्तेमाल कर लें अद्वियात उनको तो टाइफाइड भी ख़त्म हो जाएगा बुखार चढ़ना उतरना ये सिलसिला भी बंद हो जाएगा और इनको टाइफाइड के बाद जो इनको कमजोरियाँ और लाक हो रही हैं हड्डियों में भी हड्डियों में प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर या शुगर और दीगर मसाइल जो पैदा हो रहे हैं इम्यून सिस्टम इनका यानी मुदाफियती निज़ाम बहुत उसमें मुतासर हो चुका है तो खातून को यही है कि वो मुझसे रबता करके अद्वियात मंगवाए, अपना रिपोर्ट्स वगैरह जो उनके पास हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें ठीक है तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी ठीक है इन आप उम्मीद रखें अल्लाह की जात से और जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि आप अपनी जो रिपोर्ट्स है वो अगर व्हाट्सअप कर देंगी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए आ रहा है आप इस स्क्रीन पे, इसको नोट कर लें इसके ऊपर आप जो है वो राता कर सकते हैं एक और कॉलर है उन्हें शामिल करेंगे अलक भाई जी वालेकुम वाल्मीम कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर मैं मोहम्मद अजहर बात कर रहा हूँ कराची से ये क्या कहेंगे मेरा मसला ये है है मुझे है और वो मेरे ख्याल से स्किन में तो थोड़ा बहुत है लेकिन जोड़ों में आ गया है अच्छा तो कोई उसका ना शापी इलाज हो तो डरियाप कर दे क्या करते थे एलोपैथिक मैं ना वो तो उसको इस, सप्रेस कर रखा है बिल्कुल ठीक है आट, तो कोई इलाज कर दे अल्लाह तआला ज्यादा ऐसा दे ठीक है ठीक है इन्होंने इनका सोरायसिस का मामला है तो ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह और मेरे पास आ जाए कराची में मौजूद है मेरे मतलब में आ जाए इसका इलाज जो है उनशा हो जाएगा ठीक है जी।, जी तो ये ऊपर जो एड्रेस दिया गया है इसके ऊपर आप कर सकते रब्यात और, और, के बारे में जी, जी। जरूर जरूर बताऊँ ये हमारा ये है है ये टेबलेट्स हैं और ये जिसम की यानी जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं उनको खत्म करने में बहुत जबरदस्त है और फिर शेपिंग भी करता है।, है। अमूमन जो वार से बाजार में मिल रही है, वेट की, उसमें अगर वजन कम हुआ है तो जैसे दवा छोड़ेंगे डबल हो जाएगा इसका ये जिसमें मेटाबोलिक सिस्टम जो है निजाम हजम को एक तो दुरुस्त करता है दूसरा यह की जो जिसमें वेट लॉस के बाद ढलक जाता है गोश्त ढलक जाता है ये बॉडी शेपिंग भी करता है बिल्कुल ठीक है इसमें बहुत अच्छे हर्बल अज्जा है मौजूद जो कि कमजोरी भी नकात भी होने नहीं देता और है। एक हफ्ते में चार से पाँच किलो वजन कम कर देता है बिल्कुल ठीक है तो ये चीजें ये हमारा फिश ऑयल है टोना फिश ऑयल जो है दुनिया की नायाब मछली है टोना और इसका ऑयल जो है ये जोड़ों के दर्दों के लिए हड्डियों के लिए ठीक है ना इसी तरीके से ये ओमेगा थ्री है ये आपके जहाँ पे कहा जाता है कि आपके गैप आ गया है उन गैप्स को भी कवर करता है नरिशमेंट करता है खून की नालियों को साफ करता है जो क्लॉट्स वगैरह आ जाते हैं जो आ, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो जाती हैं ब्लड प्रेशर हो जाता है शुगर का मसाइल होते हैं शुगर के बाद जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको भी बहाल करता है ठीक है जी चलिए जी आ, प्रोग्राम का जो हमारा सेगमेंट है पहला वो इकदाम पजीर होता है और इंशाल्लाह जो अगली नशस्त होगी उसमें बड़ी तफी से इन शाला और जो दीगर मामला हैं उसके ऊपर गुतगु होगी मुख्तलिफ अमराज के हवाले से जैसे आपके सवाल मौसल हुए आज क्योंकि थोड़ा हमारे पास वक्त था इसमें हमने कोशिश की ज़्यादा से ज्यादा कॉलर्स को जो शामिल करें इन शाला आगे ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा बहुत शुक्रिया आपका रोशा आपने हमें वक्त दिया और दूसरे सेगमेंट की तरफ पढ़ेंगी एक ब्रेक की तरह आना ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची वेलकम बैक वंस अगेन यू वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात हो रही थी आपके सेहत के हवाले से और अब कुछ अहम इशूज़ के ऊपर गुतगु होगी खास तौर पर जो मौशी मसाइल हैं पॉलिसीज़ हैं इसके हवाले से हमने बात करनी बड़े खास मेहमान स्टूडियोज़ में यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त दूसरे सेगमेंट में तशी फरमाए उनसे आपका तारुफ़ करवाऊँगा और उनसे आज हमारी गुफ्तू रहेगी इन तमाम मामल पर सबसे पहले खुश आमदेदे कहूँगा मज़ज़ मेहमान सरदार शौकत पोपल जयसा प्रेजीडेंट बलोचिस्तान इकनॉमिक फोरम बलोचस्तान की इकानी के हवाले से पाकिस्तान की इकानी के हवाले से बहुत प्रोडक्टिव बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं तबसरा करते हैं खुलकर बात करते हैं आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उन आज हम गुतगू करेंगे और प्रोग्राम में खुश हैं सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर बींग दस ऑन द शो उनके हम लोग तशीफ रखते हैं एक और चीज़ हमारे बड़े खास मेहमान हमारे अपने बड़ी खुलकर बात करते हैं आप भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं हमसे शिकायत भी करते हैं कि आप जो है वो अपने मेहमानों से ज़रा जो है वो आसान सवाल किया करें लोग बड़ी खिंचाई हो जाती है तो मिर्ज़ आम बेख साहब आज हमारे मेहमान हैं एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा लोग बड़े परेशान हैं कि यार बड़ी सच्ची बात जो है वो बारे बारे कर जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है जी हैंडल करना चलें कोई नहीं आज खुलकर बात करेंगे एक दफ़ा फिर सर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से आपको पता है लोगों के बड़े सीरियस कंसर्न हैं अभी कुछ देर पहले भी ये बात डिस्कस हो रही थी कि इतना ज़्यादा लोग डिसार्टन हैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं लेकिन जिस तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं जिस तरह की सियासत हो रही है आपको लगता है कि आपके मुल्क डायरेक्शन सही हो सकती है सारी चीज़ों को देखते हुए महंगाई कंट्रोल से बाहर इनके हो चुकी हुई है और लोग अभी ये सोचते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे आवाम का कोई भला हो सके रिलीफ हो सके पहले तो हम बात करते थे जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं जो रूरल इकानमी है उसकी बात करते थे लेकिन अर्बन इकॉनमी और जो यहाँ के शहर के रहने वाले लोग हैं

लेजिस्लेटर को बाईपास करेंगे yes. आप असेंबली को कंसिडर नहीं करेंगे hmm. वहाँ गवर्नमेंट और अपोजिशन हर वक्त झगड़े में रहेगी hmm. सेनेट को आप करेंगे फिर अंडर डेवोल्यूशन आपके पास प्रोविंस के पास बहुत सी है, पावर्स hmm. hmm. तो हैं आप उनको इग्नोर करेंगे तो देन आई यू नॉट काउंट कि ये नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज है ठीक है जब नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं होंगी तो ये गारंटीड है कि इश्यूज आर गोइंग टू बी रेस्ट वो हैं अब महंगाई जो है इन्फ्लेशन को आप ले लें एक जो इस वक्त बहुत सेंसिटिव इशू है उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं यस अगर उनको फ्रीडम दिया जाए ठीक है सबसे बड़ी आप तमाम टैक्सेशन कंट्रोल होता है फेडरल गवर्नमेंट से एफ बी आर से जी फेडरल गवर्नमेंट खुद पॉलिसीज बनाती है नेशनल असेंबली सेनेट में सो कॉल्ड कमेटीज बनी हुई हैं <laughs> लेकिन मैं समझता हूँ हमारे दोस्त भाई बच्चे भी उसमें बैठे हुए हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड लोग डिस्कशन करते हैं मिनट्स बन जाते हैं बट नो बडी बॉदर्ड के यार hmm. ये ये क्या बोल रहे हैं तो इस सूरत में आ, बहुत अजीब सी बात है लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है बात hmm. अगर, है। अगर आप इसको कहेंगे कि ढोकेली आप अपनी खुद पॉलिसीज देते रहें एक पर्टिकुलर आई डोंट वांट टू मेंशन वन पॉलिटिकल पार्टी बट एवरी पॉलिटिकल पार्टी हु कम्स इन द गवर्नमेंट और हुँ, वो ये चाहे कि जी मेरा एजेंडा ये है मेरी पॉलिसीज ये हैं और मैं उसके मुताबिक चलूं तो फिर आप ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है हुँ, हुँ, इनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं बोल सकते फिर आपने इतना कंसेंससली डिवोल्यूशन लाए 18th अमेंडमेंट लाए तो आप उसको भी ऑनर नहीं कर रहे बिल्कुल अब कुछ ऐसे इश्यूज हैं अगर मैं छेड़ूंगा वो मेरा हाल बेहतर नहीं है लेकिन क्रॉप अप हो रहे हैं आपको आने वाले वक्त में पता चल बिल्कुल ठीक है अच्छा इस हवाले से भी बात करेंगे मेरे साहब एक मैसेज आप सुबह भेजा किसी ने मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं वो ये कि हुकूमत की भी औकात है ना उसमें है सुबह नौ बजे शहबाज गिल दस बजे फयाज़ चौहान ग्यारह बजे शेख रशीद बारह बजे फवाद चौधरी एक बजे शिबली फराज़ दो बजे शहजाद अकबर और इसके बाद लिस्ट गोज ऑन वो जो सात आठ बजे तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ ये बताने के लिए कि पिछलों ने क्या किया ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं उन्होंने क्या किया ये नहीं बताते तो ये इस वक्त सूरत हाल है ज़रा बताइए हाँ यासमिन राशिद साहिबा और इस तरह लिस्ट बहुत तवील है इसकी बजे आपको मैसेज किया है सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करें जी और उसकी समाप्त को करें उसको सुन रहा है आपको पता है इन सब में एक बड़ा अहम नाम ये भूल गए हमारे रेलवे शेख रशीद साहब जी साथ, वो जो उनको मैंने एक नया उहदा भी दिया है और उसका नाम रखा बड़े से वो पेशेंट गुजा कर रहे हैं और अकले कुल बने हुए हैं सियासी हवाले से और उन्होंने एक प्रोडिक्शन और की है कि पी डी एम ए के ऊबारे से हवा निकल जाएगी और बहुत जल्द बिलावल इनको छोड़कर और नया फैसला करेंगे ये तो आने वाला वक्त तयन करेगा लेकिन दरअकत देखें इस हकमत की साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी अपनी जात में कुल बना हुआ है सही है जिसके जो काम है जिसकी जो डोमेन है उसको छोड़ के बाकी सारे काम कर रहा है ठीक है ना रही बात इन लोगों के हवाले से जो आप देख रहे हैं कि जब आप टीवी खोलेंगे वाली बातें इन्होंने तो शेड्यूल दे दिया ठीक है दरअसल अवाम बड़ी मतलब इस वक्त जो है कश्मकश का शिकार है कि यार हुँ. किसको अपना किसको छोड़े जी जी तो इसको मैं शेयर में कुछ कहना चाहूंगा अगर आप कसूरवार हैं सब कसूर है सब फैसला कौन करे बिल्कुल ठीक है ठीक है ना और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक जितने भी सियासतदान हैं हर शख्स अपनी तारीफ में लगा हुआ है पी डीएमए की तरफ जाके देख लें तो वो कोई ऐसा नहीं है जो माजी के अदराक करे और बताएगा उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं लेकिन जब तक आप गलती का एतराफ़ नहीं कर लेंगे ना बिल्कुल उस वक्त अपनी इसला नहीं कर पाएंगे सर एक गलती का इतराक हो चुका है वो नैब की फॉर उसके हवाले से जब मौका मिला था उसके कवानीन में तब्दीली कर देते ये मानते हैं वो कहते हैं सर पर अन पढ़ी तो मुश्किल बहुत आसान हो गई ठीक है ना इस वक्त मुश्किल यही है कि हमने जो वक्त पे फैसले करने हैं या करने चाहिए थे हम उनसे दूर हैं और आज भी सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है अपोजिशन के पास हुकूमत गिरा दो हकूमत के पास ये है कि अपोजिशन को लिटा दो इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा और हर आदमी जिस आपने कहा ना बस आके फ्रेंड पर आके अपने आप को कर करा है शायद इसकी एक वजह यह भी है उनको पता है कि जो उनके हकीम है जो उनके सरबरा है इमरान खान साहब वो इस चीज़ के शायद मैं समझता हूँ कि वो शौकीन भी है कि उनकी खुशामत की जाए जितनी ज्यादा खुशामद की वो ज्यादा दर्जा पाएगा इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने बहुत सारे नाम है ठीक है ना अभी इस वक्त आप देखिए जो हालात हैं कौम के उसका किसी को कोई वो नहीं है मुल्क के अंदर से इस वक्त जो अवमी मसाइल हैं उनमें सबसे बुनियादी मसला महंगाई का है उसके आगे कोई पॉलिसी नहीं हो रही कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिसको आवाम समझे कि साहब उनके लिए भी कोई सोच रहा है ठीक है इस वक्त आ, सबसे बड़ी बात यह अद्वियात जो इंसानी ज़िंदगी में जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले फर्स्ट फार, सेवन बात कर रहे थे हकीम साहब बैठे हुए थे यकीन करें इस दो साल के अंदर 200 से लेकर 400 बल्कि 500 सौ फीसद तक बढ़ गई बढ़ा दी गई है है एक तो जिस माशरे के अंदर बुनियादी सहूलतों का फगदान कर दिया जाए और अवाम की दस्तरस से दूर कर दी जाए तो जी मैं समझता हूँ उस माशरे के अंदर तो उस हकूमत का रहने कोई जवाब नहीं होता बिल्कुल ठीक है ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत जवाब जो है वो खो चुकी है और जैसे अभी सरदार साहब फरमा रहे थे कि तमाम चीज़ों को कर अगर आप फैसले करेंगे और अगर आपका वही वतीरा रहेगा कि सारे फ़ैसले हमने खुद करने वो नेशनल इंटरेस्ट को अगर पीछे छोड़ दिया जाएगा तो, तो फिर इसी तरह की आपके आप uh, सर ये फरमाइएगा कि अब जो हम तो एक अंडर डेवलप कंट्री हैं और अभी तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं छोटे सूबों के अंदर जिस तरह की इस, इस वक्त हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं एजुकेशन का जो सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे यहाँ तो अपने मसाइल हल नहीं हो रहे फिर उनकी एम्पावरमेंट की बात होती है यहाँ तो एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है बी एटीन अमेंडमेंट की वजह से बात हो रही है बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है और बहुत सारे लोग फोशी कर रहे हैं कि जब आपकी पोजीशन अपर हाउस में स्ट्रांग हो जाएगी तो एवं आपने करना क्या है वो भी इंटेंशन बड़ी क्लियर आपकी नज़र आ रही हैं तो ये करने क्या जा रहे हैं ये ज़रा समझाइएगा क्योंकि यहाँ तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं उनको सुबह की हालत बेहतर बनानी है उसके ऊपर पैकेजेस पे पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं लेकिन काम तो कुछ नहीं होता डेवलपमेंट तो जीरो है वहाँ पर कैसे फिर मामला आगे बढ़ेगा बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सेवेंटी प्लस ईयर्स हमारे मुल्क को हो गए बने हुए लेकिन आज तक हम लोग एज अ नेशन अपनी सोच को एक जगह नहीं ला सके जो बड़ी तकलीफ दे बात है yes. मैं जिस एज में हूँ मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मैं जो यंग जनरेशन है जिसने अल्टीमेटली हम लोगों को टेक ओवर करना है हाउ टू कन्विंस दैम कि यार हमारा नेशनलिज्म क्या चीज़ होती है yes. तो मैं अगर टी जैसे भाई ने बताया कि टी में आप खोलें और डिफरेंट पॉलिटिशन्स uh, जो हैं और डोंट माइंड ब्लंटली ये पॉलिटिशियंस नहीं है सब रेड कारपेट बैगर्स है ये, दिखुण। ये दिखुण। बिल्कुल uh, इनमें पॉलिटिशियंस नहीं है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिनको हदायत दी हुई और अल्लाह उनको चांस दें इंसान चांस नहीं दे सकता है मैं बता दूँ yes, yes. आप अपनी बारी लेते हैं लेकिन अल्लाह मौका दे दें कि वो ऐसे लोग आ जाएं जिनके अंदर नेशनलिज्म हो वो अपनी कौम के बारे में सोचें हम लोग मेरे प्रॉब्लम अलग होंगी आपकी अलग होंगी भाई की अलग होंगी वी कैन ओनली रिजोल्व आर प्रॉब्लम सोचें और देखें प्रायोरिटी नंबर वन क्या प्रायोरिटी नंबर टू क्या बिल्कुल ठीक है अगर मैं सोचूं कि जी मेरी प्रायोरिटी नंबर वन है क्योंकि मेरी पार्टी रूलिंग में है यस ठीक है मैं इन, 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 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं इतना दीन का नॉलेज नहीं रखता हूं लेकिन मैं आप देखते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये इस्लामिक मूड पे सियासत हो रही है क्या आप पीठ पीछे रिबत कर रहे हैं जो सबसे बड़ी हराम चीज है इज इट एक्सेप्टेबल क्या असेंबली में हमारे दीन, दीन के आलिम नहीं बैठे हुए क्या इस चीज को नहीं रेस कर सकते क्या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने ओथ इस पे नहीं लिखा कि मैं इस्लाम के ऊपर चलूंगा तो व्हेन यू व्हेन यू डू नॉट एडेयर टू योर नेशनल वैल्यूज योर रिलीजियस वैल्यूज तो हम उसमें कैसे एडवांस करेंगे आगे ये बड़ी बड़ी तकलीफ दे बात है लेकिन अब इस तकलीफ दे बात में एक मर्ज तो है उसको कैसे दूर करना है ठीक है उसको कैसे दूर करना है वो यही है कि ये लोग फिर डिफरेंट डायरेक्शन में ले लेंगे फिर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस दे हैव टू प्ले द रोल एंड दे हैव टू प्ले द रोल इन अ वेरी पॉजिटिव वे अब देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अफसोस कुन बात है कि रही कॉन्सुलेशन के लिए मुझे समझ नहीं आ रही कि इन इन ग्रुप्स को इन अपोजिशन को और गवर्नमेंट को कौन बिठाएगा कौन समझेगा कि उन्होंने किस किस को इसमें डाल दिया और किस किस को आगे कर लिया कौन किसके शोल्डर को इस्तेमाल कर रहा है आप भी जानते हैं मैं भी बिल्कुल ठीक है कौन उस शोल्डर के खिलाफ बोल रहा है मैं भी जानता हूँ आप जानता हूँ तो ये एक दुनिया जो है वो हमें देखा कि जी बॉर्डर पे तो ये पिट गए अफगानिस्तान में हमें परेशान किया कश्मीर में हम परेशान नहीं, हुए नहीं। तो आज हम फिर हाइब्रिड उनको का, उन्होंने कहा जी इनकी जनरेशन को खराब करो इंटरेक्ट इनका खराब करो आई हाइब्रिड वॉर मैं और आप उसको फेस कर सकते हैं वी कैन नॉट वी नीड ए कलेक्टिव डिसीजन हमें इतफाक चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े दुख से बोल रहा हूँ कि मुझे तकलीफ होती है वो नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन ये अप्रोच की बात है मिस्टर भी फरमाइएगा कि अब पॉलिसी है ये कि अब जो पिक्चर नज़र आ रही है देखिए अभी जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जिस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है सिस्टम को पाँच साल के बाद नया सिस्टम होगा आपके पास नए पॉलिसी मेकर्स होंगे और ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट दोबारा से इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे सारी पॉलिसीज़ रिप्लेस भी होंगी फिर आप कैसे सस्टेन करेंगे कैसे आपकी इकोनॉमी सस्टेन करेगी मुल्क कैसे सस्टेन करेगा ये ज़रा समझाइएगा क्योंकि यहाँ तो ये है कि पिछले हुकूमत के सारे फैसलों को ख़त्म कर दिया जाता है कोई नेशनल कोई पॉलिसी हो कोई इंटरेस्ट हो किसी का भी नज़र नहीं आता तो मामला कैसे आगे बढ़ेगा ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है और यही वजह है पाकिस्तान की सत्तर साल तारीख के अंदर आज भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उससे अच्छे इकदाम की भी नफी की जाती है ठीक है सिर्फ ये सोचकर के जनाब मेरे पार्टी का मंशूर तो ये है मेरे नज़रियात तो ये हैं ये नहीं सोचा जाता कि पाकिस्तान का मंशूर क्या है पाकिस्तान की फला का मंशूर क्या है लोगों की बहबूद का मंशूर क्या है आज नहायत अफसोस का तो मैं कहना पड़ रहा है कि इस वक्त अगर आप गौर करें तो सत्तर साल तारीख में मेरे खाली पैंतीस साल ये लोग उसको अमराना दौर भी कहते हैं और पैंतीस साल हम कहते हैं जमुई दौर यस yes. अगर ईमानदारी से हम देखें तो साल वो अमराना दौर बेहतर था बिसबत एक पैंतीस साल जमुरी दौर से ठीक है अमरना अमराना या डिक्टेटरशिप जिसको ये लोग कहते हैं देखें उसमें जितने भी फैसले हुए उन उनपे अमल हुआ यस yes. उसमें लोगों को बहबूद मिली उनको पॉलिसीज मिली और अगर आप ईमानदारी से उठा के देखें तो उस दौर में कहीं भी ये निकल गया यार पिछला ऐसा कर गया था वो आए उन्होंने देखा उसमें क्या चीज़ बेहतर है क्या चीज़ मुनासिब है उसको आगे बढ़ाया गया और तसलसल रखा रखी इसके बनस्बत जब भी जमहूरी हुकूमत आई वो अपने अपने पार्टी के सियासी मंचूर के साथ आई मजरत के साथ जी फिर अपने अपने लोगों की फलाह के साथ आई आपने देखा जितनी भी इस वक्त सियासी या जमहूरी निज़ाम आया उसमें माजी से अगर आप उठा के देखें हाल तक कोई ना कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है एक भाई इस पार्टी में एक भाई उस पार्टी में एक जमात में यहाँ पे रहनुमा है एक दूसरी जमात में रहनुमा है और बड़े तसलसल से भी एक दूसरे को आके खासतौर पर आजकल चूंकि मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है एक दूसरे के खिलाफ बहुत बोलते हैं लेकिन जब ऑफ द स्क्रीन होते हैं तो इसी कौम का मजाक उड़ा रहे होते हैं यही वो वजह है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान जो है मेरी नजर में के जिसने लोगों को ख्वाब नहीं दिखाए उनको ताबीरें दिखाई बिल्कुल सही पहला पहला ऐसा जमाती सिस्टम आया हर चीज का उनके पास हल मौजूद था हर चीज अच्छी अच्छी दिख रही थी जब अल्लाह तबकाल ने उनको जिसके लिए जद्दोजहद ज़्द रहे थे हुकूमत में इंतज़ाम संभालने का मौका दिया तो आप उठा के देखे उनके इर्द गिर्द कौन लोग जमाएं वही लोग कोई फाइनेंसर की शक्ल में नुँ। कोई नुँ। माफिया की शक्ल में बिल्कुल वो उनके इर्गर्द हल्का अहबाब बना के बैठा हुआ है और नहायत अफसोस याद कहना पड़ रहा है कि तसलसल इतना अजीब व गरीब इस निज़ाम में दाखिल हो गया है कि जनाब आज मैं एक सीट पर बैठा हूँ तो कल यासिफर साहब बैठेंगे परसों फला साहब बैठेंगे लेकिन निजाम कोई दुस्त नहीं कर रहा ठीक चेहरे बदले जा रहे हैं निज़ाम ने बदला जा रहा इस वक्त वफाकी वजी सहित मामला देख लें तीन वफाक वजी कितने कम मुद्दत में तब्दील किए गए जबकि उनके फैसले क्या हुआ एक आखिरी जो अपने वफाक वजी है जिसमें अभी अद्वियात महंगी की और जवाब इंतहाई नामाकुल किस्म का दिया मैं उसको यही कहूँगा कि उनको शर्म आनी चाहिए कि लोगों की जो बुनियादी जरूरत थी उससे आपने महरूम किया और बजाय अपनी गलती का एतराफ़ करने के आपने कहा चूंकि वो बड़ी इंपोर्ट हो रही है कम कीमतें हो रही है लोग जो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और लोग उसके प्रोटेक्ट नहीं कर रहे यार किस माशरे में रह रहे हो आप किस हक की दुनिया में रह रहे हो आप दुनिया में वापिस आओ आपके अमीर वकी वजीर आपके ब्यूरोट्स आपके वजीर आजम समेत किसी को पता है कि जब एक गरीब आदमी किसी अस्पताल में जाकर दाखिल होता है उससे पहले कितने घंटे की कि उसको लाइन लगानी पड़ती है उसको यह सोचना पड़ता है कि अगर मैं घर का सरबरा हूं तो जब मैं अस्पताल में दाखिल हो जाऊंगा या खुदा न खास्ता किसी वबाई अबराज का शिकार हो जाऊंगा तो पीछे मेरे घर के क्या मामला होंगे आप उसी में हटके हुए यार ये जजीरा ले लो वो जमीन ले लो ये मामला ले लो किस में कितना केबी मिल रहा है इसके अलावा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है अब आपने सोच लिया कि जनाब अच्छा मज़े की बात ये वाद अकूमत है जिसको उन लोगों की आशीर्वाद या हिमायत शामिल है जो हमारे मुल्क में बड़े अहम मुकाम रखते हैं ठीक है जो यकीन इस मुल्क से बहुत ज्यादा संजीदा है इस मुल्क की तरक्की के लिए इस मुल्क के लोगों के लिए लेकिन है। आप उनकी मौजूदगी से फायदा नहीं उठा रहे हुँ, आप बल्कि उनका जो मोरल है और उनका जो एक इमेज है बल्कि मैं समझता तो हूँ खराब करने का बायस भी बन रहे हैं क्योंकि आज तक कभी उनको इस अंदाज में तनकीद का निशाना नहीं बनाएगा जिस तरह इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी और उनके अमाल की वजह से बनाया जा रहा है हालांकि वो अपनी जगह बिल्कुल मुखलिस है उन्होंने देखा कि माजी में जिन लोगों को बारह आजमाया

जमाना दे दे कि आपने जो इतिहाद किया ये कायम रहेगा माजी में बड़े इत्याद एआरडी बनी एआरडी बनी बड़े बड़े पता नहीं कितने नाम बने उसके बावजूद क्या हुआ जब मंजिल करीब आने लगी लोगों को मिला कि यार अब इसका जो समर है मिलने वाला यकीन शराजा भी, भी रखिर गया और कौन जिनके पीछे चल पड़ी थी एक दफा फिर भी ऊपर गई फिर नए अंदाज में उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि यार कौन जाएगा कौन आएगा तो मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवाम पे है अवाम को यह फैसला करना है कि आया वो एक हजूम की शक्ल में इनकी तायद या तरदीद करती है और अपने मुस्तबिल का फैसला करती है जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि इस वक्त आने वाला मुस्तबिल नस्ल का है यार क्या देना है क्या दे रहे हैं उनको कुछ भी नहीं ना इंफ्रास्ट्रक्शन ना माहौल दे रहे हैं ना एजुकेशन दे रहे

पहले सियासत आबादत के लिए हुआ करती थी लोगों के मफाद के लिए हुआ करती थी आज अपने वसायल को सियासत करने के लिए ठीक है ठीक है।, है मैं सब इसके ऊपर गुतगु करते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उनका सिलसिला जारी रहेगा आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची वेलकम बैक मन सके न्यू वॉचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से और हमारे यहाँ जो मेहमान तशीफ़ फरमाए हैं उनसे हम गुफगू कर रहे थे सारी सूरत हाल पे और ये कि अब आने वाले वक्त में क्या हुकूमत की पॉलिसी होगी अपोजिशन क्या करनी जा रही है सर ये फरमाइएगा कि ये जो पीडीएम है इस तरह की मूवमेंट पास्ट में भी देखते आए एक नवाबजादा नसर खान बहुत बड़े बड़े नाम उनके राइट लेफ्ट हुआ करते थे लोग ये समझते थे कि एक समझ लें कि आप एक ट्रेंड हुआ करता था उस वक्त की कोई भी हुकूमत को अगर गिराना है कोई अलाइंस बनाना है तो नवाबजादा साहब के पास के पास जाया करते थे और फिर बड़ा आपको पता है कि रौनक लगी होती थी उधर लेकिन नतीजा कोई कभी भी नहीं निकला ये आगे गोइंग फॉरवर्ड जैसा भी मिर्ज साहब ने भी कहा कि इस तरह के अलांसिस बनते हैं सब कुछ होता है लेकिन नतीजा इसका कोई नहीं निकलता सवाल एक ये है कि एक आम आदमी ये सवाल करता है कि जो आवामी एशूज़ को टेकअप नहीं करेंगे और अपने केसेस के हवाले से लोगों को चीज़ें बड़ी क्लियर हैं अगर आप उनको आप ये कहते हैं ना कि जी आपके मसाइल के लिए निकल रहे हैं तो बात लोगों को अब हज़म नहीं होती आपके ख्याल में वाकयाता क्या लोग ऐसा है कि फ्रस्ट्रेटेड तो हो चुके हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ अब तक होता आया है या जिस तरह की पॉलिसीज़ अब तक इन्होंने अडॉप्ट की हैं से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है लेकिन क्या वो इन सारी चीज़ों के बाद सड़कों पर आएंगे अपोजिशन के साथ आपकी क्या राय है? देखिए बड़ा इस वक्त सोच में बहुत डिविजन है पाकिस्तान के अंदर आपके मसाइल भी हैं फिर आ, मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के अलावा मीडिया इतना एडवांस कर चुका है कि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन में बड़े लेमैन को देखता हूँ जिसका नॉलेज बहुत मैं समझता हूँ बहुत पढ़े लिखे से भी ज्यादा उसकी ऊंची सोच है और आप एक बहुत से लो लेवल लेबर को भी देखें तो मैसेजिंग भी करता, भी करता। है ठीक है स्मार्टफोन भी यूज कर लेता तो जब ऐसी सोच आ जाए तो फिर ये फ्रूटफुल हो सकती है कि अगर हाक में वक्त या जो सियासी इंचार्ज हैं पाकिस्तान के वो इसको यूजफुली इसको यूज करें अगर नहीं करेंगे तो इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो ठीक है आपकी सोच जो है वो उस तरीके से जा रही है अब उसका एक तो ऐसा मुल्क हो जिसको बाहर के खतरात ना हो और इंटरनल भी इश्यूज ना हो तो वो बर्दाश्त कर सकता है ठीक है लेकिन अभी दो बॉर्डर्स जो हैं आपके सेटल्ड नहीं है प्रॉपरली अफगानिस्तान और कश्मीर देर आर सो मेनी एक्सट्रीमिस्ट ग्रोप अराउंड और इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी ये इस तरह की सोच डेवलप करना जो है मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है बिल्कुल ठीक है अब इसको अपोजिशन का राइट right भी है अगर मैं जैसे मैंने बोला कि अगर उनकी असेंबली में असेंबली में जैसे भी आया अलेक्ट होकर कोई भी उसको ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग लेकिन उसमें अंदर सुनवाई तो होनी चाहिए ठीक है आप सुने दूसरा आपके प्रोग्राम के तवसत से आ, मैं बड़ा आम साधनी हूँ लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि कम से कम इतने आ, सुमोटो इलेक्शन डिसीजन लेते हैं एक तो कॉम के लिए डिसीजन ले लें कि वो जो इंटरेम टाइम होता है बिटवीन इलेक्शन एंड नेक्स्ट इलेक्शन इसमें तमाम सियासी बयान बंद कर दें इस वक्त तो जो मिनिस्टर्स की लिस्ट आपने दी इनको तो कम से कम बैन कर दें कि आप आके ये नई गवर्नमेंट की तकरीर करेंगे दे आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द कंट्री सब यही तो हाईलाइट कर रहा है पैनिक हो रहा है सोसाइटी के अंदर अपने पैनिक क्रिएट कर दिया हर थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो लिटरली ये लोग आप इस चीज को आप देखें कि सोशल मीडिया पे बात, बात कर रहे हैं हो रही है कि सिर्फ ये हो रहा है कि मीडिया पे सुबह से लेकर रात तक बैठे हुए और उन्होंने ये किया <coughs> उन्होंने ऐसा किया या उन्होंने ये किया ये आपका टॉपिक रहा आप इसकी सियासी क्वालिफिकेशन की बात ये देखें हुँ, हुँ. कि एक मैं आ, कानून की रूह से उसको चैलेंज नहीं करता करप्शन लोगों ने की भी होगी खूब लूटा भी होगा यस लेकिन एक नेशनल लीडर तो है आप उसको लोकल बॉडी के लीडर को जिसको कोई पहचानता नहीं उसके मुकाबले में तकरीर करवाते हैं आप, या उससे बयान दिलाते हैं तो आप मुझे बताएं कि वहां एक आपकी लीडरशिप में फुगतान क्यों नहीं आएगा एक है। लेवल होना यानी आप बेटे के बेटे को बोल रहे हैं कि अपने जाओ अपने दादा के साथ लड़ाई करो दिस इज अनफेयर और ये एक नेशनल जो प्रस्पेक्टिव है पोलिटिकल परस्पेक्टिव ये बड़ा डैमेजिंग है मैं उस एज में हूं कि मुझे फिक्र होती है कि यार हम किधर जाएंगे ठीक कि है क्या कितना भी वसायल हो क्या मुझे इन्फ्लेशन की फिक्र नहीं होगी बिल्कुल है। या मुझे ये फिक्र नहीं होगी यार ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है ये हुकूमत उसको एड्रेस क्यों कर रही में है आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं तो आप ये तकलीफ किसी को नहीं मालूम होती जहां गरीब आदमी ने कहीं जबरदस्ती अगर लोगों ने उसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट के लोग भी शामिल होंगे अगर इन लीडरों ने लूटा है जी। तो ये कच्ची आबादी वालों ने अगर आ, सरकार की जमीन पे कब्जा किया तो उनको क्यों मारते हो आप यार? बिल्कुल वाई यू डू दैट दे शुड बी बैलेंस इट ये बड़ी डलेमा है लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको सोच समझ दे इनको डायरेक्शन दे और जो इदारे नाम ठीक है जो इदारे है इस कंट्री के खुदा इधारेस्पॉन्सिबलिए अच्छा 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 और और लोग जब जाते हैं की तरफ तो फिर एक डिजास्टर और एक क्योंकि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसी नहीं है और खासतौर पर इस वक्त दिस पॉइंट इन टाइम जिस वक्त मुल्क आपका बहुत खतरनाक सिचुएशन में हो इस तरह की कन्फर्टेशन दोनों के लिए खतरनाक होगी और इनके अपने सियासी मुस्कबिल के लिए हमारा मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक ये है। सबसे ज्यादा मेरे साहब ये फरमाइए कि नॉट इवन सिंगल कमोडिटी अवेलेबल इन अंडर हंड्रेड रुपीज़ आप समझते हैं पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर एक दिन एक शख्स की पूरे दिन की दिहाड़ी सौ रुपये है वो अगर बाजार जाता है सब्जी खरीदने के लिए सौ रुपए से कम की कोई सब्जी इस वक्त दस्याब नहीं है एक सब्जी ये आपने इस मुल्क का हाल किया है क्योंकि इमेजिन की फीडबैक लोग क्या दे रहे हैं जब हम सड़क पे माइक लेकर जाते हैं वो अब हम एयर नहीं कर सकते हम अगर सौ बंदों से अगर इंटरव्यू करते हैं ना उनमें से सिर्फ तीन या चार लोगों की बातें सुनाई जा सकती हैं कि जो लोग बहुत बर्दाश्त के बहुत साथ जो है वो बात बहुत करते बहुत हैं बाकी लोग जो बातें करते हैं ना वो तो हम एयर नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त ये सिचुएशन है आपने मुल्क इस हाल पर पहुंचा दिया बताइए देखिए बात दरअसल ये है कि मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि गलत पॉलिसीज़ सिर्फ हुकूमत को गिराने और बनाने के बजाय अगर ये मुल्की वसाइल को इस्तेमाल करने में आ जाए ना हुँ, हुँ. तो आप सूरत से बाहर आ सकते हैं जी जिंदा मिसाल है दुनिया में कपास उगाने में आप चौथे नंबर पर उसके बावजूद आपका आम शहर जो है ना हुँ. एक सही से कपड़े खरीद नहीं सकता खरीद सकता दुनिया में गन्ना काश करने में आप पांचवें नंबर पर उसके बावजूद चीनी आपने कहा पहुंचा दी पचपन रुपए से लेके एक सौ दस रुपए तक पहुंच गई है ठीक है ना दूध की पैदावार में छठे नंबर पैदावार पर आते में छठे नंबर पे है इसके अलावा गंदम की पैदावार आठवें नंबर में है और मजे की बात है आप इम्पोर्ट कर रहे हैं खाने के लिए नहीं है शर्म की बात है डूब मरने की बात है यार क्या आप बजाय मीडिया पे बैठ के चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो इतने बड़े बड़े भाषण और राशन देने के बजाय यार आप आवा को सहलियत देने को सोचो आप पूरी दुनिया में रोना रोते आप देखिए आपके मुल्क का पूरे वसाइल जो है इस वक्त मुश्तमिल है किस चीज के ऊपर पेट्रोल या ईंधन के ऊपर ऐसा ही क्यों नहीं बनाते आप इनको पेट्रोल यार यही चीज है कपास आपके लिए पेट्रोल के मुतबाद बन सकते हैं यही आपकी गंदम पेट्रोल का बन सकता ये है ये है कि ये सौ रुपए से ऊपर कीमत चली गई है सत्ताईस के मटर की तीन सौ बीस रूपए पहुंच जाए अदरक जो बुनियादी जिसमे छह सौ रुपए किलो पहुंच जाए यार अच्छा फिर उसके तदारों को आप क्या कर बहसियत हुकूमत चाहे वो सुबाई हो गवर्नमेंट हो वफाक हो बजाय उनदारों को फाल करने के उसका मुतबाद निजाम दे रहे हैं यह हक से नजरें चुरा रहे हैं ऐसा ही। इस वक्त सूर्त हाल ये कि जैसे आपने देखा कि सुबाई सतह से लेकर वफाक ये कहीं भी नहीं हुआ कि जनाब चीजों को कंट्रोल करने वाले डिसीज या अदर जो भी महकमे उनको फाल किया जाए उनको मॉनिटर किया जाए और बजाय मीडिया में आगे तकारी करने के एक फर्द की ड्यूटी उधर भी लगा दी जाए कि भाई को डिलीवर करो हुँ, हुँ, को दो वो सब कुछ जो वो चाहती है और आप दे सकते हो हुँ, हुँ, ये नहीं कि आप नहीं दे सकते जी, मैंने आपको कहा ना दुनिया में सबसे बड़ी चीज है सोना जिसपे पूरी दुनिया की करेंसी बेस कर रही है ना है। आप इन्हीं चीजों को अपना सोना बना लो ना जो आपकी मुस्किन बुनियादी चीजें जो पैदावार करके ना सिर्फ मुल्क को खुद का फील कर सकते हैं बल्कि इदारों को दे सकते हैं दुनिया को दे सकते हैं और अपना कर्जा उतारने के लिए बेहतरीन हथियार बना सकते हैं आज पीडीएम क्यों वजूद में अगर खान साहब और उनकी हुकूमत लोगों को डिलीवर करने में कामयाब होती तो मैं नहीं समझता पीडीएमए के अंदर कोई ऐसी थी जो इस के सामने खड़ी हो सकती थी नाकाम हो गए वही वाली बात जिसने शुरू में की थी जितने वफाकी वजी और मुशीर है ना वो तो टीवी में बैठे हुए महकमे वो खाली पड़े हुए मीडिया बना हुआ और अपने महकमे के हवाले से ना कोई बात करने के लिए तैयार है ना जमा

जब भी वो पड़ती है हम किन इधारों की तरफ देखते हैं जो मुल्क की सालमियत के जिम्मेदार हैं बिल्कुल ठीक है वो बेचारे आज नालों की सफाई से लेकर कुछ वही निकाल रहे हैं है। और इवन के जो नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है उसके लिए भी एक टेबल पर बिठाने के लिए वही बैठते हैं तो यार फिर आपका जमुई का नारा लगाना या राग अलापना बेमाइन हो जाता है माजरत के साथ इससे बेहतर है कि एक थोड़ा सा गैप लाया जाए और इन लोगों को मौका दिया जाए ऐसे लोगों को फ्रंट पे लाया जाए जो इस मुल्क को कम अज कम निजाम पे डाल सके इधारों की दुस्तगी कर सके उसके बाद जम पूरे निज़ाम देखेंगे यार बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है जब वो मुल्क होगा तो फिर जमुई निज़ाम कोई भी निज़ाम चलेगा सर ये बताइए पॉवर्टी एलिवेशन के लिए पैकेजेस आफ्टर पैकेजेस पहले तो हम छोटे सुबो की बात किया करते थे कोई पैकेज अनाउंस कर देते थे अच्छा ये भी हम एक ज़माने से आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं कि वो सिर्फ पैकेजेस अनाउंसमेंट की हद तक रहते हैं ना उनकी कभी कोई एलोकेशन हुई है ना उसकी स्पेंडिंग कभी हुई है लेकिन अब तो बड़े शहरों के लिए और उनके लिए भी पैकेजेस अनाउंस होते हैं अगले दिन मैं देख रहा था रात को एक वफाकी वज़ीर साहब जो हैं वो बेड के प्लानिंग के हवाले से उनका पोर्टफोलियो है उनसे जब यह सवाल किया गया कि वो जो 1100 अरब रुपए का पैकेज आप इधर अनाउंस करके गए थे बड़े एक्साइटेड होकर आप इधर आए थे और आपने वो अनाउंस करके तो चले गए लेकिन वो मटेरियलाइज हुआ या नहीं हुआ या कभी हो सकेगा तो वो आए बाएंशाएँ जो हमेशा से करते आए ज़ाहिर जवाब देने के लिए तो कुछ भी नहीं है और ये भी बड़ी फॉर्चुनेट है आजकल तो मीडिया काम आसान हो गया है कोई अपना एंकर जो है वो ला बिठाएं तो जरा आसान आसान सवाल कर लेगा आगे से आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा तो बहरहाल वो आएं बाएँ शाये करके जो मामला खत्म हो गया तो ये इस वक्त सूरत हाल है तो ये जो पोलिटिकल पिक्चर बन चुकी है ये कल्चर जो डेवलप हुआ है क्या वे आउट है यहाँ तो चल जाएगा थोड़े अरसे बात तो फिर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी और फिर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये जरा समझा दें बिल्कुल ये सर मैं आई होप इट विल नॉट बी इन रेलिवेंट जो मैं आपको चीज़ कहने लगाऊंगा इंसान जो गवर्नमेंट होती है ना सबसे पहले जो इस वक्त लाइज मैं इकोनॉमिक सेंस में बात इकोनॉमिक हर जगह सारे चारों सूबों में अब तो पांचवें की भी तैयारी है हर जगह सूबे में हर काम में इवन ग्लास का पानी का गिलास पीना उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ठीक है मैं अपने सूबे के रेफरेंस से बताता हूँ बलुस्तान के yes, yes. वहाँ हर जगह गवर्नमेंट इन्वॉल्व है काम नहीं करना देर इज नो वर्क एट ऑल लेकिन हर जगह जी डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी इतना घुमा देंगे हुँ। कि वो जो जिसने सीरियसली अगर मैं किसी को बाहर से लेके जाता हूँ तो वो मुझे बुरा भलावा कहेगा कि यार आप मुझे फूल बनाना इसी तरह नेशनल लेवल पे जो आते हैं वो कर इन्वायरमेंट ऐसा बन चुका है आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो सेट नहीं है प्रायोरिटीज को आप सेट कीजिए अभी तक अभी आप मुझे बताएं कि पेंडेमिक आया हुआ है यस yes. और दो सूबों में अभी तक आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है और आप टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं अतः हमारे अपने लोग जो हैं वो घबराते हैं कि यार मैं उस एरिया में जाऊं तो आप बाहर के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं यू आर स्पेंडिंग नेशनल मनी कि जी इसको प्रमोट करें तो प्रायोरिटीज कैसे होंगी अब हुँ. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज yes, करने लगा please. था करूंगा नेशनल कंसेंसस आप कैसे डेवलप करते हैं अब दुनिया के अंदर हालात ऐसे आ गए कि हमें बाहर से बोला जाता है हुँ. हमें बाहर से ऑफर की जाती है हुँ. एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताने लगा हूं yes. वो है सीपेक कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके अगेंस्ट नहीं है इसमें right, right. मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि वो रिलीजियस पार्टीज हो एक्सट्रीमिस्ट hmm. पार्टीज uh, हो द नेशनल एजेंडा क्यों कंट्री है, hmm. hmm. है उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ था. Yes. क्या हमारी होमवर्क नहीं कर सकती hmm. क्या हम कहां से कंसेंसेस डेवलप uh, कर सकते hmm. छोटे छोटे है ये जहां hmm. जरा पॉलिटिकल विंगलिंग ज्यादा होती है बलुचिस्तान सिंध में जरा अपोजिशन थोड़ी स्ट्रांग है yes. जैसे हमारे यहाँ ट्राइबल निजाम है hmm. तो जो ट्राइबल चीफ जरा ज्यादा स्ट्रोंग होता है वो hmm. ही कैन प्ले रोल तो उधर आप मुझे मालूम है वो अपोजिशन में एक कमेटी है उसका चेयरमैन अपोजिशन का है hmm. Hmm. लेकिन वो मुझे खुद बताता है बेचारा छोटे hmm. भाई बच्चों की तरह के जी मेरी मैं लिख के देता हूं मेरी कोई सुनता नहीं है hmm. तो मैं कहता हूँ आप कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करो आज द स्पीकर के उनके बस में नहीं है बिल्कुल ठीक है तो ये एक ये भी एक पॉलिटिकल गिमिक है ना बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर तो वो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं होंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी तो हम जैसे बात कर रहे थे कि छोटे सूबे के अलग मसाइलें फिर ये गवर्नमेंट जो है हर जगह इन्फ्लुंस करती है लेकिन मसाइल हल मसायल नहीं होते लोगों को फिर बड़े इस पर रिजर्वेशन होते हैं उसका सीरियस जो है वो फॉल uh, बैक आएगा अभी तो आप एंटिसपेट नहीं कर रहे लेकिन बहुत जल्दी आपको जो है वो लग पता चलेगा अच्छा जी अभी बताइए कि अब जैसे बात हो रही है कि जी गवर्नमेंट स्टेटमेंट एवरी नांदी आती रहती है ख़बरों के अंदर जी आ, कि हमें इससे कोई अलायंस ख़तरा नहीं है जी और वी आर एक्चुअली ऑन द राइट डायरेक्शन तो ये कितने भी ऐसे अलाइंस बन जाए मसला नहीं है लेकिन बट जो हो रहा है गुजरावाला में वो एवरी थोड़ी देर बाद बुलेटिन में बता देते हैं कि जनाब वहाँ से बैनर्स भी उतारे जा रहे हैं एक पैनिक, पैनिक भी है कंटेनर्स भी खड़े किए जा भी रहे हैं तो ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है ये ज़रा बताएं ये पैनिक क्यों है है क्या सिचुएशन देखिए जी जिस वक्त जो मुआजा सूरत है इसमें वफाकी हुकूमत के हवाले से या मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात करें तो इसके हर स्टेटमेंट के पीछे जिस चीज़ पे सीरियस होते हैं ना उस चीज़ के पीछे कहानी कुछ और होती है इस वक्त यही होता है गुजरा वाले में जब वो नफी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा मैं समझता हूँ बहुत कुछ होगा उसकी वजह पता है क्या उसकी वजह पीडीएम की कामयाबी नहीं है उसकी वजह वो अवामी मसाइल हैं जिनको उजागर करके आज अलायस बना है और यही उनका सबसे मौसर हथियार बन गया है अगर ये हुकूमत बजाय इस तरीके से अमल करने से कि जनाब अब देखें जो काम ये कर रहे हैं क्या माजी में इन हुकूमत नहीं किया था इसी तरह कंटेनर्स पे चढ़ के गलियां रोक के बिल्ड फाड़ के हुकूमत को चैलेंज करके और बस आवाम के अंदर एक मोबलईजेशन करके हाइप क्रिएट करके गवर्नमेंट बनाने आए ना yes, yes. आज अगर हकीकत के अंदर अवामी मसाइल को लेकर हकीकत इसलिए कह रहा हूँ कि डिलीवर नहीं कर सके ना yes, yes. आज कौम जिस हालत में पड़ी इससे पहले माजी में कभी नहीं रही नहीं थी never. तो मैं समझता इस वक्त उन्हीं मसाइल को लेकर जब पी डी एम खड़ी hmm. हुई है तो अवामी रद्दमल जो आ रहा है वो इनकी गलत पॉलिसी की वजह से आ रहा है yes. अगर मौजूदा हुकूमत पॉलिसी साजी करती लोगों डिलीवर करती अच्छा आज तक ये हकूमत अपने अतमाद नहीं कायम कर सकती माजरत के साथ क्यों नहीं कर सकी कि जो का वो किया नहीं बिल्कुल अगर हम जहां शहर में बैठे हैं जिस सूबे की आप बात करते हैं सिंध की ये आज तक इस बात का मुंतजिर है कि हुक्मान जमात के और हमारे मुल्क के जनाब वजीरम साहब ने जो वादे किए थे इस मुल्क के और इस सूबे की फलाह के लिए चूंकि मुल्क में यही कह रहा हूँ कि कराची मिनी पाकिस्तान के आज तक तो एक रुपया भी डिलीवर नहीं कर सके आज तक तो अमली इकदाम नहीं कर सके yes. इसके बनस्बत बल्कि आपने देखा होगा कि नई बहस छिड़ गई है जजरों के हवाले से गुँ। अच्छा इसमें भी क्या हुआ एकदम हो सकता है सही हो अमल गलत था ठीक है। आप देखिए सबसे पहले उस जेटी या जजरों से वापस वो लोग जो हजारों सैकड़ों साल से बेचारे वहां बैठे हुए हैं और वो माहिगीर जी उनको अहतम में नहीं लिया असल स्टेक होल्डर्स को आपने में नहीं लिया कि जनाब अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो इससे आपको ये फायदे होंगे जी। आपने क्या है क्या कि अवफाक की जंग छेड़ दी कौन लेगा कौन देगा और फिर यहाँ भी एक नया ख्वाब दिखा दिया गया कि इनसे जो आमदन होगी पूरा मुल्क के कर्जे उतर जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो यार सबसे पहले एतमाद कायम करें जो कह बेशक ना बातें एक बात कहें लेकिन उस बात पे अमल कर लें तो कोई मतलब वजह नहीं है कि इस तरह अलायंस हो इसलिए कि इस वक्त सबसे मजबूत जो गवर्नमेंट मैं समझता हूँ वो खान साहब की हुकूमत ठीक है अलेक्टेड और सिलेक्टेड के हम बहस से बाहर आ जाते हैं लेकिन ये हकीकत है कि जितने मवाक इस वक्त इस हकूमत के पास हैं जो बैक शोल्डर चीजें चल रही हैं उनके और जो उनको आशीर्वाद है उसके बाद तो कोई चीज इनके दशा से बाहर हो ही नहीं सकती कोई चीज नामुमकिन ही नहीं है इसका

बुरा नहीं था आज वहां जब असम्बली का अजलास होता है तो आवामी शूज के पास अबे तबे और इसके अलावा कुछ कुछ नहीं भी नहीं होता। कुछ भी था। क्या था। डिलीवर करने जा रहे हैं कौन को हम अपने नसल के लिए क्या करने जा रहे हैं हम उनको क्या तासुर देने जा रहे हैं जिस मुल्क का सबसे मज़स जगह कहलाती है असम्बली और अवान कहलाते हैं हमारे आज भी अगर हकूमत को फिक्र है पता किस चीज़ की है पी डी एम की नहीं है की नहीं है उनको मार्च में होने वाले इलेक्शन सेनेट का जो इलेक्शन सेनेट का जो इलेक्शन होने वाला हुँ। है हुँ। आज भी मैं देख रहा हूँ कि वफाक की जाने से कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें वफाक़ी हुकूमत लेगी और इलेक्शन में कोई सामने नहीं आ पाएगा मैं ठीक है। तो मैं इसको या वो जो मामलात माजी में भी होते रहे के जब कोई के कोई पास होने और उससे एक दिन पहले तक सुरताल कुछ और हुआ करती जी, थी। जी। और जब पास होता है सुरताल कुछ और होती है बैक समझ बैक में नहीं आता फरिश्ते आ गए या इसी तरीके से ये सेनेट की तैयारी है सारा झगड़ा उसका है लो और दो का बिल्कुल ठीक है मसाइल से किसी कोई ताल्लुक कोई नहीं है ठीक है जी मेरे साहब थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया सरदार शौकत पोपल जई साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया हमसे बात की सियासी मामलात के हवाले से गुफगू की और बड़े खुलकर गुफ्तू की और बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया उन मसायल को निशानदेही की कि अगर इनको रिजॉल्व नहीं किया आगे सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी और क्रिटिकल सबसे ज़्यादा किसके लिए है एक आम पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वाले शहरी के लिए है अगर उसके बारे में नहीं सोचा गया तो ये जितनी पॉलिटिकल मूव्स हैं चाहे ऑपोजिशन की हो चाहे गवर्नमेंट की हो ये काउंटर प्रोडक्टिव रहेंगी और बहुत जल्द इसका जो है वो आपको पता चल जाएगा और ये एक बड़ी मक़ूल एडवाइस दी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि खुदा का वास्ता ही जो सुबह से शाम तक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिज़ हैं ये हमें बड़ी भारी पड़ रही है हमारे आवाम को और बड़ी भारी पड़ रही है इसके लिए खुदा का कोई एक्शन जो वो है वो ज़रूर ले इसी बात के साथ प्रोग्राम का के तामिशाल अखबार आपसे मुलाकात होगी मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद